स्वागत करते हैं दोस्तों अपने ही YouTube चैनल DB परफेक्ट न्यूज़ में। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कोरोना महामारी का दौर जारी है, इसी बीच सभी स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। उसी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना की दूसरी लहर पड़ी मंद, कब स्कूल जाएंगे बच्चे, केंद्र सरकार ने बताया आगे का प्लान। दोस्तों जानेंगे इस पूरी खबर के बारे में, जुड़े रहिएगा DB परफेक्ट न्यूज़ के साथ। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना वायरस के केस में कमी आई है। कुछ राज्यों ने इस बीच अपने यहाँ पाबंदियों में भी कमी लाई है। कई लोगों के मन में ये सवाल भी चल रहा है कि देश में स्कूल कब से खुलेंगे, इसे लेकर सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है। नीति आयोग स्वास्थ्य के अधिकारी डॉक्टर BK पॉल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अहम बातों की जानकारी दी है। डॉक्टर BK पॉल ने बताया कि नेशनल और राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाएं कोविड-19 महामारी की वजह से रद्द कर दी गईं। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना के बाद से ही बंद स्कूलों को फिर से खोलने पर तभी विचार किया जाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को वैक्सीन लग जाएगा। और आपको बता दें, इसके अलावा कोविड के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव की और अधिक जानकारी सामने आने के बाद ही स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। बता दें कि डॉक्टर BK पॉल ने कहा कि वो समय जल्दी से आना चाहिए, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे विदेशों में स्कूल थे और फिर कोरोना के केस बढ़ने के बाद उन्हें फिर से बंद करना पड़ा था। हम अपने छात्रों और शिक्षकों को ऐसे हालात में नहीं डालना चाहते हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एम्स ने अपनी एक स्टडी में बताया है कि 18 साल के कम के उम्र के बच्चों में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाली एंटीबॉडी विकसित हुई है। इसलिए ऐसी उम्मीद है कि कोरोना की तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, और स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर बता दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।